एक बार एक जंगल में कौवा रहता था। एक दिन वो कौवा यात्रा कर रहा था, उसे बहुत प्यास लगी तो वो एक स्थान पर रुक गया और आसपास पानी की तलाश करने लगा, मगर उसे पानी नहीं मिला। प्यास के कारण वो बहुत कमजोर हो गया था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और जंगल के आसपास पानी ढूंढने लगा। उड़ते हुए उसे एक घर दिखा। ये सोचते हुए कि उसे वहाँ पानी मिल सकता है, वो उस घर की ओर गया और घर के ऊपर बैठ गया। उसने घर के अंदर एक घड़ा देखा। जल्दी से वो उस घड़े के पास उड़ कर गया। उसने देखा कि उसमें बहुत ही थोड़ा पानी है। पानी को देखते ही उसे बहुत खुशी हुई, मगर क्योंकि पानी बहुत नीचे था, उसका मुंह पानी तक पहुंच नहीं पा रहा था। उसने थोड़ा सोचा, फिर उसे एक उपाय सूझा। अगर मैं इसमें कुछ कंकड़ डाल दूं, तो पानी शायद ऊपर आ जाएगा और फिर मैं पानी पी सकता हूं। जल्द ही वो कुछ कंकड़ की तलाश में लग गया। उसे कुछ कंकड़ मिल गए। उनके पास जाकर उसने एक एक करके कंकड़ उठाने शुरू किए, फिर घड़े के पास लेकर गया और उसमें डालने लगा। पानी थोड़ा ऊपर आया, पर अभी भी वो पहुंच नहीं पा रहा था। उसने फिर भी हार नहीं मानी और एक एक करके कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। काफी समय के बाद पानी और ऊपर आया। कौवा बहुत खुश हुआ और भर के अपनी प्यास बुझाई। उसने अपने और दोस्तों को भी बुलाया। बहुत से पंछी पानी पीने आए। उन्होंने कौवे को शुक्रिया कहा और फिर वहां से उड़ गए।